हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्यांग और विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनाए, यानी कि दोस्तों यूनिक डिसेबिलिटी आईडी को कैसे बनाए और सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप इसे जल्द से जल्द आवेदन करें और ऑनलाइन बनाए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाकर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UI DID कार्ड, और आप इसे रिन्यूअल भी यहां से कर सकते हैं। तो हम यहां दोस्तों यहां सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं आपको एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं चूज योर लैंग्वेज डाउनलोड फॉर्म, आप इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहां आपको पर्सनल डिटेल्स और जो डिसेबिलिटी है वो, और एम्प्लॉयमेंट और आइडेंटिटी आपको यहां डिटेल्स फिल करनी होगी। यहां दोस्तों आपको अपना नेम, मिडिल नेम, सरनेम, और आपको हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में ही नाम को फिल करने होंगे। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उन्हें हिंदी में भी फादर्स नेम और मदर्स नेम को लिखने हैं। आपको अगर एज मालूम है तो आप यहां एज भी लिख सकते हैं, और अगर आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ पूरा याद है तो वो भी आप यहां मेंशन कर सकते हैं। यहां आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जिस कैंडिडेट का बनाना है उसे यहां पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, और उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मार्क ऑफ जहां कोई भी निशान हो उस निशान को यहां मेंशन करना है। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, आप मैरिड हैं या अनमैरिड वो भी आपको यहां सेलेक्ट करना है। आप किस डिसेबिलिटी में आते हैं वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहां आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो 15 KB से 30 KB तक होना चाहिए, वो भी JPG। यहां आप सिग्नेचर और थंब दोनों को अपलोड कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को अपलोड कर सकते हैं, वो भी आपको 3 KB से 30 KB तक होना चाहिए। पिक्चर का जो साइज होगा वो 3 KB से 30 KB तक होना चाहिए। आप यहां अपने एड्रेस को फिल करेंगे, एड्रेस पूरा लिखेंगे दोस्तों, फर्स्ट एड्रेस, सेकंड, थर्ड, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस छूटना नहीं चाहिए। यहां आप एड्रेस फुल लिखेंगे, जो आप इंग्लिश में लिखेंगे उसे आप हिंदी में लिखेंगे। यहां स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज सब सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड। और दोस्तों यहां एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड या और भी कुछ जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब यहां अपलोड कर सकते हैं, और यहां परमानेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। परमानेंट पे क्लिक करने पे सेम एड्रेस ही आपका यहां आ जाएगा। और दोस्तों यहां आपको एजुकेशन डिटेल्स पे भी, आप यहां से एजुकेशन डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। मैंने फॉर्म को फिल कर लिया है, अब आपको यहां दिखाता हूं कैसे फॉर्म को भरना है। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि मैंने जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मैंने यहां फिल की है, वो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। A to Z आपको करेक्ट फिल करने हैं, जो आपका मार्क है, इंडिकेशन मार्क है वो आपको यहां लिख देना है। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या करना है और कैसे करना है। आप यहां देख सकते हैं मैंने पिक्चर को अपलोड किया है वो 15 से 30 केबी में, और सिग्नेचर या थंब जो कोई भी आप अपलोड करना चाहते हैं वो यहां से आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमने एड्रेस क्लिक किया, और परमानेंट एड्रेस अगर आप यहां डालना चाहते हैं तो यहां टिक पे क्लिक कर दे, सेम हो जाएगा, अगर नहीं तो टिक ना करें। और हाईएस्ट एजुकेशन जो भी हो आप यहां से डाल सकते हैं। अगर आपके जो कैंडिडेट है वो पढ़े लिखे नहीं है तो यहां आप प्राइमरी डालकर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहां डिसेबिलिटी डिटेल्स डालने होंगे, जैसे कि आप डिसेबिलिटी हैं या नहीं है वो आपको यहां लिखना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट का पिक्चर यहां आपको अपलोड करना है, वो 10 KB से 100 KB में होना चाहिए, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट कब हुआ है वो आपको यहां मेंशन करना होगा, और किस एरिया में आप यानी कि विकलांग है वो आपको यहां मेंशन करना होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो
तो उसमें सारे डिटेल्स दिए होते हैं, उस डिटेल्स के दौरान ही आप यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ से कब आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ दोस्तों हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास पहले से तो नहीं है लेकिन हम न्यू बनाना चाहते हैं, तो यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं। करने के बाद आपको यहाँ डिसेबिलिटी एरिया देना है, हॉस्पिटल देना है, अगर आपका पेंशन चालू है तो आप पेंशन नंबर यहाँ देंगे, और उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ किस एरिया में आप डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है, और हॉस्पिटल और पेंशन नंबर डालने के बाद आप उसे सबमिट कर देंगे। सबमिट कर लेते हैं दोस्तों। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑल फॉर्म फिलअप का प्रिंट प्रीव्यू देखने का मिल जाएगा। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप यहां से प्रिंट निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप UDID फॉर्म यानी विकलांग और दिव्यांग सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र को आप बना सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। अगर आपके पास पहले से सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको अगर स्टेटस चेक करना है तो यहाँ जो इनरोलमेंट नंबर दिया गया है इस नंबर को आप सर्च करेंगे सर्च बार में, यानी कि यहाँ से हम एप्लीकेशन के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आपको हम बताते हैं आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को कैसे चेक करेंगे। फिर से हम मेन पेज पे यानी होम पेज पे आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, फोर्थ ऑप्शन में है दोस्तों। यहाँ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ अपने जो हमने अभी आपको नंबर बताया है इनरोलमेंट नंबर, उस नंबर के दौरान या आप अपने आधार नंबर से भी यहाँ चेक कर सकते हैं। आप उस नंबर इनरोलमेंट नंबर को यहाँ डाल सकते हैं या आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ आधार नंबर डालकर ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अपना आधार नंबर डाल दिया है, और अब गो पे क्लिक करते हैं। गो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ आपको देख सकते हैं योर एप्लीकेशन करेंट स्टेटस सबमिट हो चुका है दोस्तों, और जब भी ये बनकर तैयार हो जाएगा आप यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर लेंगे। और जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करते हैं वैसे ही आपके मोबाइल पे यानी रजिस्टर्ड नंबर पे एक SMS आपको मिल जाएगा, यानी टेक्स्ट मैसेज मिल जाएगा जिसमें आपका इनरोलमेंट नंबर होगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यूनिक डिसेबिलिटी ID, यानी इसके मदद से आप कोई भी योजना का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, आपकी इससे मदद होती है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए न्यूज़ के।